हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे आज, और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है, चैप्टर 3। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हमने प्रीवियस सेशन में एक टॉपिक किया था, आपको याद होगा, एचसीएफ। याद है एचसीएफ क्या होता है? हमने डिटेल में डिस्कस की थी इसकी चीजें, उम्मीद है आपको याद होगा। मैं बता देता हूं, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम GCD भी बोलते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD, GCD क्या हो गया? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो बच्चों इसके आधार पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई प्रीवियस सेशन में HCF क्या क्या सीखा था हमने। HCF के बारे में हमने HCF निकालना सीखा था। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई नंबर्स हो, ठीक है, दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं, आप सबका HCF इजीली निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, HCF कहां से आता है? देखिए, जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको लास्ट में, जो दो चीज दिख रही हैं, कॉमन फैक्टर, तो वहीं से आया है HCF। कॉमन फैक्टर क्या होता है, नाम से देखिए, जो नाम यहाँ पे लिखा है ना, उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस होती है बच्चों, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन फैक्टर लिखा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। कॉमन फैक्टर तो सबने सीखा है निकालना, ये तो स्टार्टिंग में हमने सीख लिया था इस चैप्टर के। तो कोई अगर दो नंबर है, ठीक है, कोई दो नंबर है, जैसे 12 और 16, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, और इसके 16 के क्या होंगे, 1, 2, 4, 8, 16, यही होंगे। अब कोई ऐसा फैक्टर बताओ, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर तो दोनों में बहुत होंगे, जैसे एक भी दोनों में कॉमन है, दो भी दोनों में कॉमन है, लेकिन मुझे कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन भी हो। तो देखिए, 4 है सबसे बड़ा, यहाँ पे 4 है जो दोनों में कॉमन भी है और बड़ा भी है कि नहीं? तो इस तरह से मैं आपको बस ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक्चुअल में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। HCF समझ लीजिए, उसके बाद LCM आपको इजीली वैसे ही आ जाएगा, फिर हम डिफरेंस भी सीखेंगे, लेकिन HCF सीख के उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे, एकदम इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, ये एकदम फाइनल हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों आपको। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि HCF होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। निकालना तो सीख ही जाएंगे, निकाल तो सब लेंगे मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि भाई HCF निकाल तो रहे हो लेकिन होता क्या है ये बताओ, तो वो आपको आंसर करना आना चाहिए। कॉमन फैक्टर पहले पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर भाई, जो हम फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर पता होने चाहिए सबसे पहले, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो किसी के भी अगर हम गुणनखंड करते हैं नंबर के, तो दो नंबर्स होते हैं उनमें जो कॉमन होते हैं वो कॉमन फैक्टर हो गए, इतना समझ में आ गया, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम नॉर्मली जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं वैसे करते हैं, तो लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 12 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और 16 के भी, और उसके बाद इसको आप जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप लिख लेंगे, है ना, लेकिन एक एक बार ही लिखेंगे। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है बच्चों? तो इसको एक बार रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, जो भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, हैंड रेज करके आप अपना सवाल पूछ लीजिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तभी हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे, HCF निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको नोट डाउन करेंगे सब।
तो बच्चों ये है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है, जो नीचे आपको नंबर्स दिए हैं इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फटाफट सॉल्व करो, जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देंगे आप बस, ठीक है बच्चों। इनफ समय मिल गया है आपको सॉल्व करने का, अब बताइए किसका आंसर आया है, जिस बच्चे का भाई कोई आंसर तो आया होगा, पार्ट ए का, पार्ट बी का, किसी पार्ट का आंसर आया होगा आपका, शाबाश हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई भी पार्ट का आंसर आया है तो। चलिए जीआईसी सकनोली खाल, आप बताएंगे बेटा किसका आंसर आया है, जीआईसी बस्ते, जीआईसी बस्ते से आया किसी का आंसर, शाबाश बेटा, जो भी आपका आंसर आया आप बता दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। जीआईसी फाटा, हाँ आपको अनम्यूट कर दिया है, अब बोलिए आप। सर पहले का दो, दूसरे का छह, तीसरे का छह और चौथे का नौ। ये सर, आंसर बता रहे हैं आप, पहले का छह, वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बच्चे आपका? मेरा नाम तमन्ना है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाएं आप। कोई और बच्चा किसी और स्कूल से बताना चाहे आंसर्स? देखिए यहाँ पे हमें जीआईसी फाटा से आंसर मिला है ना, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी बच्चों ने कर तो लिया होगा, बस आप बताने में थोड़ा झिझक रहे हैं, है ना, तो वो नहीं करना बच्चों आपको। जब आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर बताने में कैसी शर्म। चलिए इसको मैं सबके लिए अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है, आप चेक करते रहना किसी का कहीं भाई गड़बड़ तो नहीं हुआ है आंसर, हमें भी पता लग जाएगा सबको क्या आपके आंसर सही आए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है 18 और 48, ये दो नंबर हैं, पार्ट ए की बात हो रही है यहाँ, तो 18 और 48 हैं, तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो दो से भाग करेंगे इसको 9 आ जाएगा, फिर 3 से, ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर आप यहां तक भी छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, फिर ये सारे जितने भी आपको यहां भी प्राइम फैक्टर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, इसको 3 से भी डिवाइड कर देता हूँ। अब हमें सिर्फ इधर वाले फैक्टर्स देखने हैं, तो बताइए क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स 2 × 3 × 3 यही होंगे ना, ठीक है, यही तो लिखा है हमने। उसके बाद देखिए 48 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 6, फिर 2 से डिवाइड करो तो 3, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो इसके फैक्टर लिख लीजिए अब, फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2, चार बार तो 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, फिर एक बार 3 है, क्लियर है। अब देखिए असली चीज अब शुरू होती है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है किसका, 18 और 48 का, ठीक है, तो आप लिखेंगे HCF किसका, 18 48 का। तो HCF कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है बच्चों, हमें देखना है कि भाई इनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, कॉमन जो इनका प्राइम फैक्टर है वो देखेंगे हम, सब प्राइम फैक्टर निकाले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए 2 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बस तो वो आप मार्क कर लेंगे, और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा हो उसको भी मार्क कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा उसी को करना है बच्चों आपको। जैसे ये 3 देखिए, 3 मुझे दोनों में दिख रहा है कॉमन, और कोई कॉमन लग रहा है,
यहाँ पे सिर्फ तीन बचा है, यहाँ पे और तीन कोई बचा ही नहीं है, समझना आप बात को। अब हम एक बार तो दो लिखेंगे और एक बार तीन लिखेंगे, ठीक है, हम दोनों के नाम का एक बार ही लिखेंगे, दो इंटू तीन, बस एक बार दो लिख लेंगे, एक बार तीन, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा, कितना, छह आ जाएगा, ये इसका HCF होगा। देखिए कितना सिंपल है HCF निकालना, है ना आसान, ऐसे अगर तीन नंबर्स होते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक और पार्ट इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये तो आपने कर लिया, सबका नोट डाउन हो गया ना, हैंड रेज कीजिए अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है सबने तो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लीजिए आप। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके मैं दिखा देता हूं आपको, सिमिलरली आप 27 का और 63 के फैक्टर्स निकालेंगे, तीन से भाग होगा, ये सबसे छोटा नंबर तीन ही है क्योंकि दो से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम तीन से भाग कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 9 27, फिर थ्री से करेंगे एक बार और थ्री, तो ये आ गया फैक्टर ऑफ 27 आ गया आपके। अब यहाँ पे देखिए ये भी थ्री से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, ये 7 आ जाएगा और ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब लिख लीजिए आप फैक्टर्स ऑफ 27 एंड फैक्टर्स ऑफ 63, क्या क्या हैं, 27 के फैक्टर्स तो 3 × 3 × 3 हैं और इसके हैं 3 × 3 × 7। अब सीधा सीधा पता लग रहा है हमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, लग रहा है ना, तो फटाफट लिख देंगे जो कॉमन है, जैसे ये तीन और ये तीन, तो HCF निकाल लेंगे 27 63 का, क्या आ जाएगा भाई, 3 × 3, दो बार तीन कॉमन आ गया तो 3 × 3 कर दूंगा मैं, सिंपल है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो देखिए आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से बाकी के दो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, है ना, तो जिसने यहां पे कर लिए वेरी गुड, बाकी होमवर्क में कर देंगे आप। ठीक है बच्चों, सबका हो गया नोट डाउन, तो अगला सवाल हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बेटा सारे आंसर्स एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं, तो जो ये क्वेश्चन है जिसने नहीं किए हैं अभी तक वो देख लो, आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है ना, अब तो और भी इजी होगी चीजें। तो चलिए इसके बाद हम कुछ पार्ट्स और यहाँ पे करेंगे इनके, लिखिए फटाफट, सेम है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये है, देखिए इस बार हम तीन नंबर्स वाला कर रहे हैं, तो अगर तीन नंबर वाली संख्या आ गई है, थोड़े बड़े नंबर भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, तरीका सेम लगेगा आपका, ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए फटाफट। तो बच्चों किसी का आंसर आया, क्या आंसर आया बेटा, बताइए आप, शाबाश जी, ऐसी फाटा, हाँ कोई भी बच्चा माइक लेके आंसर बताओ आप, शाबाश बोलिए बेटा, अब 35, 35, वेरी गुड, दूसरा भी कर लिया हो तो बता सकते हैं आप।
पार्ट एफ किसी ने किया है? चलिए अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार्ट एफ कर लिया है तो बता दीजिए, नहीं तो आप यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक पार्ट किया है उसी को चेक करते हैं अब हम। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे कि हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, है कि नहीं? तीन नंबर्स क्या क्या हैं? 70, 105, 175, है ना? तो इनका हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कितना ही बड़ा नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चेक करेंगे दो से भाग होता है तो 70 है तो लास्ट में जीरो है इसके, इसलिए दो से तो डिवाइड होगा ही, ये कितना आ जाएगा 35। क्या 35 किससे डिवाइड होगा बताइए? दो से तो नहीं हो रहा है डिवाइड, क्या ये तीन से डिवाइड होगा? तीन से भी नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 8 होता है और 8 तीन से भाग नहीं होता है, ये डिविजिबिलिटी के रूल्स यूज होंगे अब, ठीक है बच्चों? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं ना उनको ध्यान से आप पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि पिछली चीजें आगे यूज होंगी जाके। तो यहाँ पे देखिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं, तीन से भी भाग नहीं हो रहा ना चार से हो रहा, लेकिन पांच से डिवाइड हो रहा है, 5 × 7 = 35, ठीक है? अब सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये तीन से भाग हो रहा है, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 तीन से डिवाइड होगा तो ये भी तीन से डिवाइड होगा, 3 × 9 = 3, 5 = 15, 35 आ गया, फिर से 5 से होगा और 7 से, इसको डिवाइड कीजिए ये कितने से डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से चेक करते हैं, 7 + 1 = 8, 8 और 5 = 13, 3 से भी नहीं हो रहा ना 4 से हो रहा, तो सीधा ये 5 से होगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 5 × 15, 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे और फिर 7। तो फैक्टर्स देखिए कितने आएंगे आपके, फैक्टर्स ऑफ 70, फैक्टर्स ऑफ 105, फैक्टर्स ऑफ 175, क्या क्या है लिख देंगे आप, इसके आया है 2 × 5 × 7, इसका आया है 3 × 5 × 7 और इसका आया है 5 × 5 × 7। तो HCF निकालना बहुत इजी हो गया, अब क्या करना है, HCF किसका है, 70, 105, 175, क्या आ जाएगा, जो कॉमन होगा वही तो आएगा। तो देखिए एक तो ये 5 कॉमन आ रहा है और एक ये 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों जो तीनों में कॉमन होगा ना वही लेंगे हम, तीनों में कॉमन होना चाहिए, इस बार 2 से काम नहीं चलेगा, अगर कोई नंबर आपको 2 में कॉमन दिख रहा हो कहीं उसको उठा लो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीनों में नंबर कॉमन होंगे वो लेने हैं आपको, और यहाँ पे 5 और 7 तीनों में कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 आ जाएगा, है कि नहीं, 35 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ये। तो GIC फाटा से जो आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे बच्चों, कीप इट अप। बाकी बच्चों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करें और ऐसे ही आंसर देते रहें आप, ठीक है बच्चों? तो देखिए जो ये इसका पार्ट एफ है, एफ पार्ट देखिए ये होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, पार्ट ई यहाँ पे मैंने समझा भी दिया है, किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चों, है किसी को डाउट कोई? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।